तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ स्नेक। सोचो कि आप एक छोटे से स्नेक और एकदम से एक दिन आप बदल जाते हो एनाकोंडा में। तो एज अ स्नेक मुझे छोटे छोटे कीड़ों को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ईगल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कुछ लोग हैं जो कि इस दुनिया से पूरे सांप को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ स्नेक, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और नीचे जो तुम्हें लाइक का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। और हम 400,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से आगे जो नीचे तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे भी दबा दो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं होता हूँ एक अंडे के अंदर, और जैसे वो फूटता है मैं निकलता हूँ एक छोटा सा स्नेक, और मैं यहाँ पे बना हुआ था एक रेटल स्नेक। तो भाई मैं बहुत ज्यादा छोटा सा था, और भाई मेरे पास सिर्फ 4 ही हार्ट थे, तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में भाग सकता था। तो मैं पहले यहाँ वहाँ घूमता बहुत देर तक के, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे प्लेन्स बायो में कैसे आ गया। और तभी मुझे सामने में दिखता है एक चिकन, तो मैं जल्दी से आता हूँ उससे बात करने के लिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता है। तो मैं उसे एक दो हिट मार के खत्म कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे मिलता है उसका फेदर। तो मुझे जल्दी से ढूंढना था अपने जैसे और भी स्नेक्स को, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और मुझे यहाँ पे पानी के उस तरफ दिखते हैं कुछ क्रोकोडाइल्स, और यहाँ पे 2-3 होते हैं। तो मैं जल्दी जाता हूँ उनसे पूछने के लिए कि शायद उनको कुछ पता हो, और वैसे कोई लॉजिक की बात थी नहीं, लेकिन तो भी मैं खुद जाता हूँ पानी में। और जैसे मैं उनके पास पहुंचने वाला होता हूँ, वो मेरे तरफ आता है भाई मुझे मारने के लिए। तो जल्दी से मैं निकलता हूँ इस पानी से, और पानी के बाहर आने के बाद वो लोग मुझे पकड़ नहीं पाते, और बहुत देर तक मुझे यहाँ और ढूंढते रहते हैं। तो मैं कुछ दिनों तक आगे बढ़ने के बाद मुझे एक अजीब सा विलेज दिखता है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे एक स्टैचू दिख रहा था, और उसमें लिखा हुआ था 1 हीरो, और मुझे नहीं पता था ये कौन है और लोग इसको हीरो क्यों बोल रहे हैं। और तभी मैं देखता हूँ एक ट्रेडर यहाँ पे इतनी गर्मियों में भाई आग ताप रहा था। तो आगे मुझे दिखता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो कि आयरन गोलम, लेकिन मैं अभी उसको कुछ नहीं करता हूँ, और वैसे मैं उसे क्या ही कर सकता था। और तभी मुझे आगे भी दिखता है ट्रेडर, तो मैं उससे पूछता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। तो पता नहीं, मुझे कुछ बता नहीं रहा था। और फिर मैं उससे पूछता हूँ वो मेन स्टैचू किसका है, तो मुझे कुछ बताता नहीं और यहाँ से चला जाता है। तो मुझे यहाँ पे घर दिखता है, और जैसे मैं उसका दरवाजा खोलता हूँ अंदर घुसता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी टेबल दिखती है। उस टेबल के ऊपर चढ़ता हूँ, और तभी यहाँ पे आ जाता है एक आर्मरर, और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि वो स्टैचू किसका है। तो ये मुझे बताता है कि बहुत टाइम पहले खतरनाक जानवर ने अटैक किया था सब पे, और उसी के कारण ये सब बचे हुए हैं। और मैं भी इसे पूछता हूँ क्या इसे रेटल स्नेक के बारे में कुछ पता है, तो ये मुझे बोलता है नहीं। और तभी मुझे दिखता है एक चेस्ट, जैसे इसको खोलता हूँ यहाँ पे मुझे दिखता है कुछ कुक चिकन, फिर मुझे मिलता है एक टोटम, और उसके बाद मुझे मिलता है एक बहुत सही वाला सॉर्ड, और आखिरी मुझे मिलता है एक एंडर पर्ल। तो भाई एंडर पर्ल मुझे बहुत ज्यादा सही लग रहा था, तो मैं इसको फेंकता, और भाई ये एंडर पर्ल जो मेरी हाइट का ही था। तो भाई उसके बाद पूरा दिन यहाँ पे खत्म हो जाता है, और मैं बस यही पे टाइम पास करते रहता हूँ यहाँ वहाँ। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ भाई पूरा अंधेरा हो चुका था, और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स भी थे, तो बाहर निकलना भी बेकार था। तो मैं जल्दी से आता हूँ और इसके बेड में यहाँ पे सो जाता हूँ, और उसके बाद बस मुझे नेक्स्ट डे का इंतजार करना था। तो जैसे नेक्स्ट डे होता है मैं बाहर निकलता हूँ, सामने वाले घर पे मुझे लिखा होता है डू नॉट एंटर। और भाई तुमको तो पता है जहाँ पे जाने से मना किया जाता है मैं हर बार वहीं पे जाता हूँ, तो इस बार भी मैंने वही किया। और उसके बाद मैं कुछ देर तक इंतजार करता हूँ कि कोई मुझे देख नहीं रहा, और मैं एकदम आराम से जाता हूँ। जैसे मैं खोलता दरवाजा, भाई मेरे सामने दिखता है एकदम खतरनाक वाला वुल्फ, और भाई इसकी आंखें पूरी लाल थी और ये बहुत ज्यादा बड़ा था। और जैसे मुझे देखता है मुझे मारने के लिए भागता है, वो तो अच्छा मैंने सही टाइम यहाँ पे दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन उससे पहले कि वो दरवाजा से बाहर निकल जाता हूँ, और काफी दिनों तक मैं यहाँ भटकते रहता हूँ। और उसके बाद मुझे आखिर में दिखता है दूर में एक टेंट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई ये टेंट पूरा खाली भी दिख रहा था मुझे। तो मैं जल्दी जाता हूँ उस तरफ, और क्या पता वहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता था, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखता है एकदम बड़ा वाला एक रेटल स्नेक जो कि मेरी ही प्रजाति वाला था। तो मैं जल्दी जाता हूँ उसके पास, और फिर उसके बाद जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसे बोलता हूँ कि भाई मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद ये मुझे बताता है कि काफी सारे स्नेक्स को कुछ लोग मार रहे हैं, और उसमें से एक है ईगल। तो उसके बाद ये मुझे बताते कि वो एकदम खतरनाक होते हैं और यहाँ वहाँ उड़ रहे अभी, तो हमें जल्दी से स्टैंड के अंदर जाना चाहिए। और मैं जब आसमान में देखता हूँ तब मुझे दिखता है वही वाला ईगल, और भाई क्या सही तरीके से उड़ रहा था यार वो। तो उसके बाद भाई उससे पहले कि वो हमें देख ले, हम दोनों जल्दी से आ जाते हैं टेंट के अंदर, और मैं पूछता हूँ भाई इनका नाम क्या है, तो ये मुझे बताता है इसका नाम है फ्लिक। तो उसके बाद भाई हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते उससे पहले कि वो ईगल हमें देख ले। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं भाई उस रेगिस्तान की तरफ में, और वही सामने में हमें मिल जाती है एक और नदी, और बस हम लोग उसको पार ही करने वाले होते कि तभी हम लोग के सामने से वो ईगल एक मछली को पानी से लेता और मार भी देता है। और तभी हम लोग पार करने वाले होते, लेकिन वहां पे आ जाता है वो ईगल और मार देता है फिर उस बड़े रेटल स्नेक को। तो मैं से पूछता हूँ ये कौन है और ये काफी सारे स्नेक्स को क्यों मार रहा है। तो ये मुझे बोलता है कि इसको स्नेक्स को मारना बहुत ज्यादा पसंद है, और ये काफी सारे स्नेक्स को अभी तक के मार भी चुका है। तो यार ये सब सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मैं उसे एक फाइट मार के सीधा कूद जाता हूँ पानी में, और मैं पानी के एकदम अंदर जाता हूँ। और मुझे पता था कि वो पानी के इतना अंदर नहीं आ सकता, तो कुछ देर तक इंतजार करता है, और फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो मैं जल्दी से बाहर आता हूँ, और भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि और कौन मुझे मारना चाहता है। तो अब मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल आगे बढ़ना था, तो मैं जल्दी से नदी से होते हुए उस पार पहुंचता हूँ, और मैं पहुंच चुका था रेगिस्तान में जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। तो मैं थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद उसके बाद मुझे मालूम चलता है कि मेरे पास जो शील्ड है उससे मेरे आजू बाजू पता नहीं कोई तो अजीब सा आदमी आ जाता है, और इससे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो भाई मुझे पता नहीं चला था ये क्या, और फिर कुछ देर में खुद से गायब भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ और भी काफी सारे स्नेक्स होते हैं, तो मैं जल्दी से कुछ खा लेता हूँ, और फिर खाने के बाद मैं एकदम से बन जाता हूँ बड़ा वाला स्नेक, और मैं पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था और साथ में ताकतवर भी। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और कुछ दिनों तक के आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे दिखती
दिखती है कुछ अजीब सी औरतें और पता नहीं इनकी छाती में भाई लगा हुआ था फ्लिंट और ये बहुत ज्यादा अजीब से रहे। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं इनको पूछता हूँ कि भाई स्नेक को सब क्यों मार रहे, तो ये लोग मुझे कुछ बताते नहीं। और तभी मुझे एक और यहाँ पे दिखता है स्नेक जो कि पता नहीं मेरे ऊपर ही हमला कर देता है, इसको पता नहीं क्या डाउट होता है। तो भाई इसका पॉइजन मुझे लग जाता है लेकिन मैं इसको खत्म कर देता हूँ और उसके बाद फिर काफी देर तक मुझे पॉइजन लगता है और जो भी मेरे पास आखिरी तक बचा होता है वो मैं खा लेता हूँ और फिर उसके यहाँ पे अंधेरा होना चालू हो जाता है। तो मैं वापस आता हूँ और ये लोग पता नहीं मुझे देखते मारना चालू करते हैं, तो मैं इनके ऊपर फेंकता हूँ पॉइजन और पता नहीं ये लोग कुछ अजीब से टाइप की एंट को यहाँ पे स्पॉन कर देते हैं और फिर उनके कारण यहाँ पे मुझे आग लगती है। लेकिन मैं जल्दी से इनको मारना चालू करता हूँ और एक को निपटा भी देता हूँ और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ वापस इन लोग के पास और मैं उनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ। और क्योंकि अब मैं बड़ा वाला स्नेक बन चुका था तो मेरे पास यहाँ पे आ चुके थे काफी सारे पॉइजन, तो मैं जल्दी से इनको मारना चालू करता हूँ बिना रुके और मैं कुछ पॉइजन भी फेंकता हूँ इनके ऊपर और इसमें से थोड़ा बहुत मुझे भी लग जाता है लेकिन मैं इनको अपनी शॉट से मारता हूँ और खत्म कर देता हूँ। और आखिरी में मरते मरते भी वाली एंट को स्पॉन कर देती है लेकिन मैं मार देता हूँ उसको भी और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर काफी दिनों तक आगे बढ़ने के बाद मुझे वापस यहाँ पे दिखते कुछ ट्राइब्स, तो मैं जल्दी जाता हूँ उनसे कुछ हेल्प मांगने के लिए और मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें खाने के लिए देंगे लेकिन उसके लिए मुझे इन लोगों का कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये लोग मुझे बताते कि मुझे किसको मारना है और वो बाजू में ही है और फिर उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कुछ खाने के लिए दे दो। तो ये लोग मुझे अपने टेंट में भेजते और वहाँ पे एक होता है चेस्ट, जैसे वो चेस्ट खोलता हूँ वहाँ पे बहुत सारे ब्रेड होते हैं तो जल्दी से मैं रख लेता हूँ उन ब्रेड को और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और पहले तो मैं ब्रेड खा लेता हूँ और फिर जब मेरी हेल्थ फुल हो जाती है तब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे उड़ने वाली औरतें होती है और इनके पास पंख भी होती है, तो मैं इनको मारना चालू करता हूँ। पहले पॉइजन फेंकता हूँ और फिर उन लोग की हेल्थ जाना कम होती है और मैं उनको बिना रुके मारता हूँ और मैं देखता हूँ भाई वो लोग बहुत गंदी तरीके से मरे थे पॉइजन से, तो मैं एक को तो निपटा देता हूँ और फिर दूसरी वाली खोल जाती है मुझे मारने के लिए आती है और मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ भी कम कर देती है वो। तो मैं जल्दी से अपना शील्ड यूज करता हूँ यहाँ पे और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भागता हूँ स्पीड में और फिर एक लास्ट शॉट मार के मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ पे खत्म। और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ और मैं इन लोगों को बताता हूँ कि मैंने उन दोनों को मार दिया है और क्योंकि वो दोनों इन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करी थी, तो फिर मैंने बोलता हूँ कि भाई जो मैंने मांगा था वो तुम मुझे दे दो। तो फिर उसके बाद ये लोग मुझे बोलते हैं ठीक है और फिर यहाँ पे कुछ तो चीज ड्रॉप करते हैं, तो जैसे मैं रखता हूँ वैसे दिखने में तो लग रहा था कि कोई है शॉवेल लेकिन इसका नाम था पॉइजन स्टाफ, तो जल्दी से मैं इसको रख लेता हूँ अपने पास और भाई फिर गलती से उनको मार देता हूँ और उनको पॉइजन लगना चालू होता है। तो वो मेरे पीछे खोलते हुए आते हैं, उससे पहले मैं वहां से आगे बढ़ता हूँ और फिर अगले कुछ दिन तक के मैं आगे बढ़ते रहता हूँ और फिर उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक और अलग से बायोम में और फिर जैसे ही मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे मुझे दिखती एक छोटी सी स्पाइडर, तो मैं जल्दी से उसको मारता हूँ और पता नहीं क्यों ऐसे छोटे जानवरों को मारने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और हो सकता है मैं सांप था इसलिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखते एकदम खतरनाक वाले जानवर जो कि होते हाथी। अरे भाई ये क्या दिखा रहे हो, अच्छा ये नहीं दिखाना था, तो भाई ये देखो ये एकदम खतरनाक वाले हाथी होते हैं और भाई इनकी सूंड बहुत सही होती है और ये बहुत ज्यादा बड़े भी होते हैं। तो मैं जाता हूँ इनके पास और भाई मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी बात नहीं मानते, तो मैं जल्दी से इनको पॉइजन वाले स्टाफ से मारता हूँ और फिर मुझे भागना पड़ता है और फिर भागते भागते रात भी हो जाती है। और भाई उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे सामने में था एक हाइड्रा यानी कि तीन मुंडी वाला सांप भी बोल सकते हैं उसको और भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, एक्चुअली इसकी तीन मुंडी नहीं थी और भी आ सकती थी, तो भाई ये पता नहीं काफी सारे सांपों को मार रहा था यहाँ पे बिना रुके और वहाँ पे ग्रीन वाला सांप उसको बहुत टाइम से मार रहा था लेकिन उसको भी निपटा देता है और काफी सारे मेरे टाइप के स्नेक को भी खत्म कर रहा था ये। और तभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बीज़ मेरे ऊपर कुछ अटैक कर देते हैं तो मैं भी इन ज़ॉम्बीज़ को बिना रुके मारना चालू करता हूँ और यार ज़ॉम्बीज़ को मारना बहुत ज्यादा आसान हो चुका था मेरे लिए क्योंकि उनको पॉइजन से मारना था। तो भाई अब जल्दी से आता हूँ मैं हाइड्रा के पास उससे बात करने के लिए कि ये स्नेक्स को क्यों मार रहे हैं, तो मुझे पता करना था कि इस सबके पीछे कौन है। तो मैं जल्दी से आता हूँ फिर उसके पास और फिर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखता और फिर मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ, तो मैं इसे पूछता हूँ कि तुम सांप को क्यों मार रहे हो, तो भाई मुझे कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन फिर मेरे पीछे भागता है और एक सांप भी और होता है मेरे साथ, तो हम दोनों उसको मिलकर मारना चालू करते हैं और लेकिन वो सांप को निपटा देता है और मैं जाता हूँ एक दो हिट और मारता हूँ और फिर उसके तो मेरे पीछे आ रहा होता है तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में भाग जाता हूँ और पता नहीं क्यों बाकी के सांप मर जा रहे थे उससे, तो मैं इसे बदला लूंगा जरूर। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ दिनों के बाद, तो मुझे अपने लिए घर बनाना था भाई, अब कोई भी आगे मुझे ऐसे मार देगा तो कैसे चलेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कॉर्नर पे और जल्दी से मैं यहाँ पे खोदना चालू करता हूँ नीचे की तरफ क्योंकि सांप वैसे भी जमीन के नीचे रहते हैं अपने बिल के अंदर, तो मैं जल्दी से अपने लिए बना लेता हूँ एक छोटा सा घर टाइप और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक ट्रैप डोर और यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा जगह थी यार, तो अब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ था। तो मैं यहाँ पे रात तक का इंतजार करता हूँ और फिर जैसे यहाँ पे रात होती है मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब वाला जानवर जो कि पता नहीं क्या था पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई, मेरे ख्याल से कोई म्यूटेंट टाइगर था, तुमको क्या लगता है कॉमेंट बता दो। तो भाई इसकी आंखें भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और जो भी इसको जानवर दिख रहा था उनको मारना चालू कर रहा था ये। तो मैं जल्दी से आता हूँ उसकी तरफ और फिर उसके बाद मैं पहले रुकता हूँ रात भर, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब जाता हूँ तो मैं इससे बात करता हूँ और मैं इसे पूछता हूँ कि तुम इन सब जानवर को क्यों मार रहे हो, तो ये बोलता है भाई स्नेक को मारना और भी अच्छा लगता है इसे। तो मैं इसे एक फाइट मार के आगे बढ़ता हूँ और फिर जल्दी से मेरे पीछे आता है भाई और क्या स्पीड में भागता है ये और मुझे दो तीन फाइट भी मारता है लेकिन मैं एकदम सही टाइम पे पहुंच जाता हूँ अपने घर पे और क्योंकि मैं इतना छोटा सा था और यहाँ पे भाई एक ट्रैप डोर था तो ये अंदर भी नहीं आ सकता लेकिन बाहर से एक दो हिट मारने की ट्राई करता है और भाई पता नहीं मेरे घर के बाहर ही रुका हुआ था बहुत टाइम से। तो पूरा एक दिन का मैं इंतजार करता हूँ और फिर जब मैं बाहर निकलता हूँ नेक्स्ट डे तब मुझे यहाँ पे वो दिखता नहीं है, तो मुझे पता चल चुका था कि मुझे अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आगे निकलता हूँ और काफ़ी दिनों तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे पता नहीं कोई तो मंदिर दिखता है जो कि स्टीव का था शायद, तो जल्दी से मैं यहाँ पे देखता हूँ उसकी मूर्ति होती है
और ये वैसे भी कोई काम की नहीं थी, तो मैं इसको जल्दी से तोड़ता हूँ। इसके नीचे मुझे मिलता है एक चेस्ट, इस चेस्ट में पहले तो मुझे मिल जाता है एक डायमंड, कुछ गोल्डन कैरेट मिल जाते हैं। तो इन सबको रख के मैं आगे बढ़ता हूँ, और काफ़ी दिनों तक आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है एक पिलेजर का आउटपोस्ट। तो जल्दी से मैं जाता हूँ एकदम छुपते हुए, और यहाँ पे मुझे दिखते कुछ पिलेजर, और पता नहीं तब यहाँ पे दिखता है एक सुअर और उसके पीठ में एक चेस्ट होता है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ, उसको मारना चालू करता हूँ, और एक दो बारी मैं उसे मारता हूँ, और मैं उसे थोड़ा बहुत पॉइजन भी देता हूँ और फिर ख़त्म कर देता हूँ। और वैसे मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो मैं आराम से जाता हूँ, और फिर तभी मुझे यहाँ पे एक पिलेजर देख लेता है, तो मैं उसे बिना रुके मारना चालू करता हूँ। और क्योंकि मैं एकदम छोटा और स्पीड में था, तो मैं उसे निपटा भी देता हूँ, वो कुछ कर भी नहीं पाता है। फिर एकदम लंबी लंबी घास होती है, तो उसमें मैं आराम से छुप सकता था। तो उसके बाद मैं आगे देखता हूँ, पता नहीं एक अजीब सा क्रिएचर होता है, बहुत बड़ा कॉकरोच जैसा कुछ था, तो मैं उसको मारना चालू करता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बच जाता हूँ यहाँ पर पिलेजर से। और फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो इस बिल्डिंग के एकदम टॉप पर पहुँच जाता हूँ, और तभी मुझे यहाँ पर दिखता है एक चेस्ट। इस चेस्ट के अंदर पहले तो मुझे दिखता है एक रेड स्नेक वाला एक क्रॉसबो, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे एरोज मिल जाते हैं, और एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पीछे मुड़ता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखता है एकदम खतरनाक वाला बंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और मैं इसे जाके पहले पूछता हूँ ये कौन है, तो ये अपना नाम तो नहीं बताता है, और ये बोलता है कि मैं पूरे स्नेक को ख़त्म कर दूंगा इस दुनिया से, और पता नहीं क्यों इस जगह पर वो पूरा आग लगा देता है। तो मैं पहले तो इस जगह से निकलता हूँ, और शायद ऐसा कुछ था जो ये चाहता था कि मुझे ना पता चले। तो पूरी रात बीत जाती है, और यहाँ पे पूरी जगह जल के राख हो चुकी थी, लेकिन वो बच जाता है, तो मैं अब उसके पास नहीं जा सकता था, और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम थी अभी भी। तो मैं जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर देते कुछ प्लेजर्स, क्योंकि लोग मुझे रात को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब दिन हो चुका था। तो मैं जो मुझे न्यू बो मिला था उससे मारता हूँ, और फिर जैसे मैं एन्चार्टेड गोल्डन एप्पल खाता हूँ, और पता नहीं फिर कैसे क्या मैं एकदम से बन जाता हूँ बड़ा वाला एनाकोंडा, और मेरा कलर भी चेंज हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वाला एन्चार्टेड गोल्डन एप्पल था, लेकिन अच्छा ही हुआ, यहाँ पर मेरी ताकत भी बढ़ जाती है। और तभी यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आता है एक बुल, और वो भी बिना रुके इनको मारना चालू करता। भाई बहुत सही था वो, और भाई काम करो जल्दी से जाओ और कॉमेंट में जाके लिख दो किसान भाई ओपी। तो भाई मैं इनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ, और बहुत गंदे में मैं इनको मार रहा था, लेकिन जब ये लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा दूर आना पड़ता है, और फिर मैं इनको बिना रुके अपने जो नए बो से मारना चालू करता हूँ। और भाई उससे तो ये लोग बहुत गंदे में मारना चालू होते हैं, तो मैं बस उसी का इस्तेमाल कर रहा था बहुत देर तक के। और भाई एक को तो मैं बहुत गंदे में मारता हूँ यहाँ पे, और भाई इसके बाद फिर मैं कुछ देर तक पानी में छुप जाता हूँ, लेकिन फिर से मैं इनको मारना चालू करता हूँ। और यार ये लोग आए जा रहे थे भाई, रुक ही नहीं रहे थे, तो मैं भी इनको मार मार के बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तो मैं अभी जल्दी से यहाँ पे गोल्डन कैरेट खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे उन लोग ने। तो यहाँ पे बस एक आखिरी के दो तीन बचे होते हैं, तो इनको तो मैं अपनी शॉर्ट से निपटा देता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं इस जगह से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। उसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ अपने घर की तरफ, लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि उससे अच्छा मैं यहाँ पर जाता हूँ रेगिस्तान में। और तभी मुझे यहाँ पर दिखता है एकदम सही वाला बर्ड, जिसका नाम होता है सनबर्ड। तो फिर उसके बाद मैं उसे बुलाता हूँ नीचे, और फिर जब शाम के टाइम में वो नीचे आती है, तो फिर मैं इससे पूछता हूँ क्या ये ईगल के बारे में कुछ जानती है। तो ये मुझे पहले कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन फिर जब मैं इसे अपनी कहानी बताता हूँ, तो इसको भी लगता है भाई नहीं कि मुझे इसे बताना चाहिए, तो वो मुझे बोलती है कि तुम मेरा बस पीछा करते रहो। तो अब आखिरकार वो टाइम आ चुका था कि मैं अपने उस दोस्त का बदला लूँ, और वो वही ईगल है जिसने पहले मेरे दोस्त को मारा था। तो मैं इसका पीछा करते रहता हूँ कुछ दिनों तक, और फिर मैं यहाँ पर रात में पहुँचता हूँ, और तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वही वाला ईगल उड़ रहा था। लेकिन मैं काफ़ी देर तक के उसको देखते रहता हूँ कि वो कर क्या रहा है, और फिर जैसे वो मेरे पास आता है मैं जाता हूँ उसे मारने के लिए, लेकिन वो बार बार मुझसे बच रहा था। फिर ऐसे करते हो नेक्स्ट डे को मैं आखिरकार उसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश करता है। इस बार मेरे पास खतरनाक वाले शॉट थे, तो भाई मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ बहुत आसानी से। और अभी मैंने अपने दोस्त का बदला भी ले लिया था, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे वापस से वही ट्राइब्स दिखते हैं, और इनके बाजू में पता नहीं एक मंदिर होता है, यहाँ पे मुझे दो गोल्डन एप्पल भी मिल जाते हैं। और तभी मुझे बाजू में दिखती है गुफा, और यहाँ पे लिखा होता है निमन लायन, और मुझे उस बर्ड ने इसके बारे में बताया था कि ये भी काफ़ी सारे स्नेक्स को मारते रहता है, और ये भी चाहता है कि इस दुनिया से स्नेक्स खत्म हो जाए। तो भाई जैसे मैं देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आता हूँ, और मैं सीधा घुसता हूँ उसके गुफे में और मारना चालू करता हूँ उसे। तो वो भी मेरे पीछे भागता है मुझे मारने के लिए, और फिर उसके बाद मैं उसे पूछता हूँ कि ये स्नेक्स को क्यों मारता है। तो ये मुझे बोलता है कि ये एकदम खतरनाक आदमी के लिए काम करता है, जो कि एकदम बड़ा सा मंकी जैसा दिखता है। तो मुझे मालूम चल चुका था कि वही उनका मेन बॉस है। तो फिर मैं इसे बिना रुके मारना चालू करता हूँ अपनी बो से, और वहाँ पर ब्लास्ट होकर मरना चालू होता है। और फिर मैं इसे अपने पॉइजन स्टाफ से मारना चालू करता हूँ, और मैं इसके पीठ पे जाके बैठ जाता हूँ बहुत भारी, और इसकी हेल्थ भी बहुत कम होती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो मैं भी उसे मारना चालू करता हूँ, मेरे पीछे भागता है, बस एक आखिरी एचपी का बचा था, तो मैं इसे दूर से मारना चालू करता हूँ अपने बो से, और यहाँ पे ब्लास्ट होके बेचारा फटके मर जाता है ये। तो भाई कॉमेंट में कुछ अच्छा था लिख दो यार इसके लिए, और भाई कोई पूछेगा कैसे मारा था, तो लोग बोलेंगे यार फटके मारा था। तो चलो यार मैं आगे बढ़ता हूँ फिर उसके बाद। तो काफ़ी दिनों तक मैं यहाँ वहाँ बढ़ते रहता, और मैंने एक बोर्ड बना लिया था पता नहीं क्यों, और भाई बहुत गंदे तरीके से बैठा था मैं। तो जल्दी से मैं पहुंच जाता हूँ एक जंगल बायोम में बहुत दिनों तक के चलने के बाद। और यहाँ पे मैं क्यों आया था मैं तुमको बताता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिलने वाला था एक और ख़तरनाक वाला बॉस,
और उसको मार के मुझे मालूम चलने वाला था कि वो जो मेन मंकी वाला बॉस है वो कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ट्री हाउस भी दिख जाता है। फिर मैं पानी से होते हुए एकदम छुपते हो जाता हूँ, और मुझे पता था यहाँ पे कुछ मॉब से मुझे पक्का मिलने वाले थे। तो मैं एकदम पहुँचता हूँ टॉप में, और यहाँ पे घुसते मुझे कुछ मॉब्स मिलते हैं, उसमें से स्केलेटन भी होते हैं, कुछ जॉम्बीज भी होते हैं। तो मैं इनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ अपने वो ब्लास्ट वाले बो से, और फिर देखते देखते वो सब मर जाता है। और फिर मैं जाता हूँ इसके टॉप वाले फ्लोर में, और यहीं पे मुझे दिखता है वो अजीब वाला क्रिएचर जिसके आजू बाजू पता नहीं कुछ तो घूम रहा था। तो मैं इसे जब पूछता हूँ इनके मेन बॉस के बारे में तो ये मुझे बताता नहीं है। तो मैं इसे मारता हूँ एक दो हिट, और उसके बाद ये मुझे बता देता है कि मुझे कोलिजियम में मिलेगा वो। लेकिन मैं भी इसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, तो मैं भी इसको निपटा देता हूँ। लेकिन पता नहीं फिर पूरा पानी वानी हो जाता है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से जब जाता हूँ पास में, तो भाई यहाँ पे तो मुझे पॉइजन मिला था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलता है, उस चेस्ट में से मुझे काफ़ी सारे आर्मर मिल जाते हैं एक एक करके, और बहुत सारे ब्रेड मिल जाते हैं, और काफ़ी सारे आयरन के इंगट भी होते हैं। तो मैं पूरे चेस्ट को यहाँ पे और बैरल्स को भी ढूंढ लेता हूँ, तो मुझे पूरा यहाँ पे आर्मर सेट मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का था। तो जल्दी से मैं उसको भी पहन लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जल्दी से बढ़ता हूँ आगे। और काफ़ी दिन तक चलने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ एकदम आइस वाले बायोम में, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे एकदम से दिख जाएगी एक बहुत सही जगह, और यहीं पे मुझे दिख जाता है वही हाइड्रा जो कि मुझे पहले दिखा था वीडियो के। तो उसके बाद मैं जल्दी से देखता हूँ, तो आगे में पता नहीं मुझे एक अजीब सा टोर्नेडो दिखता है जो कि पूरा आइस का था, लेकिन वो भी मुझे गोल गोल घुमाना चालू करता है। तो मैं इसे मारना चालू करता हूँ अपने बो एंड एरो से, और उससे बहुत गंदे में एकदम फटके मारना चालू होता है, और पता नहीं क्यों एकदम छोटा छोटा हो जाता है। फिर मैं अपने शॉट से मारता हूँ तो एकदम छोटा सा हो जाता है, और एक लास्ट शॉट मारता हूँ और यहाँ पे पता नहीं खत्म हो चुका था ये। तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ उस हाइड्रा की तरफ, और मैं चढ़ जाता हूँ एक पेड़ के ऊपर, और फिर मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में यहाँ पे कूदना चालू करता हूँ, और मैं पहुँच जाता हूँ टॉप में। और जैसे हाइड्रा मुझे देखता है, पहले पहचानता नहीं है, फिर मैं इसे बताता हूँ कि मैं वही वाला स्नेक हूँ, और जैसे मुझे पहचानना चालू करता है फिर मैं इसे मारना चालू करता हूँ। और बस मुझे एक चीज़ करना था कि उसको यहाँ से मुझे नीचे फेंकना था, और फिर उसके बाद मैं इसे मारता हूँ और ये नीचे भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही खोलता है फिर मुझे यहाँ से सीधा नीचे कूदना पड़ता है, और भाई मेरी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो मैं तो नीचे आ जाता हूँ लेकिन वो वहीं पर रहता है, तो मैं उसे मारना चालू करता हूँ अपने बो एंड एरो से, और फिर वो भी एकदम नीचे गिर जाता है। तो फिर जैसे मेरे पास आता है मैं नॉनस्टॉप उसको मारना चालू करता हूँ, और फिर मैं उसको पानी में फेंक देता हूँ, और पानी में पता नहीं आते इसके चार पांच मुंडी और आ जाती है। और मैं जान चुका था कि ये पानी में बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो मैं जाके पहले से कुछ पॉइजन मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा होता नहीं उससे। तो मैं अपनी शॉट से मारता हूँ बिना रुके, लेकिन इसका डैमेज बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं इसको कुछ कुछ देर में मारना चालू करता हूँ, फिर वापस आके मैं थोड़ा ब्रेड खाता हूँ, और फिर बिना रुके मारता हूँ मैं। और ये सब करते करते भाई रात भी हो जाती है, तो मैं एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है, और भाई पता नहीं इसकी रूह पूरी मेरे अंदर आ जाती है। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलती है एकदम सही वाली ऑरेंज बेरीज। तो जैसे मैं इसको खाता हूँ फिर पता नहीं क्या होता है मुझे, कुछ देर के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है, और मैं यहाँ पे बन जाता हूँ एकदम खतरनाक वाला पाइथन। और भाई ये थोड़ा कॉमेडी भी लग रहा था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बड़ा था ये, बहुत सही था। तो मैं जल्दी से पानी में कूदता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पहुँचना था कॉलेजियम में, और काफ़ी दिनों तक चलने के बाद मैं पहुँच चुका था कॉलेजियम में। और ये था मेरा डे 99, और बस यहाँ पे मेरे पास एक दिन बचा था। तो मैं जल्दी से आता हूँ कॉलेजियम के पास, और तभी मुझे यहाँ पे दिखता है एक जंगली सुअर, और पता नहीं बिना रुके मुझे मारना चालू करता है यहाँ पे। तो मैं भी उसे बस एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे निपट जाता है। तो मैं सीधा घुसता हूँ कॉलेजियम के अंदर, और मेरे सामने था वो मंकी किंग जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, और पता नहीं यहाँ पे उसने सांप को भी कैद करके रखा हुआ था। तो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है, फिर मैं इसे बोलता हूँ ये सांप को क्यों मारा था। तो ये मुझे बोलता है कि कुछ सांपों ने पहले इसके परिवार वालों को मार दिए थे, इसलिए तब से ये सांपों को मारना चालू कर दिया था इसने। तो फिर उसके बाद मैं इसे बोलता हूँ भाई एक सांप के कारण तुम हर सांप को नहीं मार सकते, और मैं भी इसे कुछ हिट मारता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे आसमान में फेंक देता है और मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो जाती है। और बीच बीच में मुझसे डिस्ट्रैक्ट होकर पता नहीं कुछ स्केलेटन को मारा था, तो यही मौका पकड़ के मैं उसे मारना चालू करता हूँ बिना रुके। और फिर मैं जल्दी से खा देता हूँ आखिरी वाला गोल्डन कैरेट, और मैं इसे दूर से मारना चालू करता हूँ बिना रुके यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है, और उससे भी पता नहीं कैसे क्या बच जाता है ये। और फिर एक और बारी मुझे फेंकता है, तो मैं सीधा यहाँ पे पहुँच जाता हूँ स्टैंड्स में। उसके बाद फिर मैं खाता हूँ ब्रेड, और फिर मैं सीधा कूदता हूँ नीचे और कुछ इसे पॉइजन से मारता हूँ, और फिर उसके बाद आखिरी में मैं इसे मारना चालू करता हूँ अपनी शॉट से। और बस यहाँ पे मैं इसे मारता हूँ एक लास्ट हिट, और यहाँ पे मर जाता है, लेकिन मुझे फेंक देता कहीं दूर। तो यार अब मैंने इसको खत्म कर दिया था, और इस दुनिया के पूरे स्नेक अभी यहाँ पे बच चुके। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबा दो, और भाई कमेंट कर दो अपना फेवरेट पार्ट। और तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल रहा होगा 1x बेट का लिंक, तो जाओ और जल्दी से उसे डाउनलोड करो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।